दिल्ली NCR के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रपति से स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। शोषित गरीब का है ही जो अंतिम पदाम पर लोग है, अंतिम जो जिस दूरी पर आपने कहा कि जो सब समाज का जो सबसे शोषित है, दलित है, पीड़ित है, उसकी उत्थान की बात पासवान जी कर देते हैं। ये हमारी पार्टी के संविधान में है और हमारी पार्टी का सोच भी है और हमारा भी सोच है, हमारे नेता का भी सोच है, हमारे दल में जितने भी लोग हम लोग सांसद हैं या हमारे पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और नए कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का ये सोच है कि स्वर्गीय पासवान जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूँगा और उनके अधूरे सपने का पूरा करने का ये है कि समाज का जो अंतिम पर व्यक्ति है उसके उत्थान की बात जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी नहीं करेगी, तब तक उनके अधूरे सपने का अधूरा सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमारी पार्टी का सोच है, हमारा सोच है, हमारे दल के सांसद हैं, सभी लोगों का सोच है कि समाज जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अक्लियत के साथी हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों की उत्थान की बात पासवान जी करते थे। देखिए मैं NDA गठबंधन का पार्ट हूँ, मैं NDA गठबंधन का अंग हूँ। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, हम लोग आपस में बैठ के NDA गठबंधन के साथ बैठेंगे, बैठ करके जो भी हमको हक मिलेगा मैं निश्चित रूप से साथ में मैं चुनाव। देखिए हमारे सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रामविलास पासवान जी अमर रहे, क्योंकि उनके जैसा नेता मैंने भारत में आज अपने जीवन में तो नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से वो काम करते थे उनकी एक आदत थी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत दिनों तक रहा, मैं सलाहकार समिति मेंबर भी रहा, तो मैं उनको बहुत करीब से देखा और उनका एक ये जो नेचर था कि लोगों को इकट्ठे हॉल में बुलाकर मिलना, उस टाइम ना कोई PA होते थे, ना कोई बॉडीगार्ड होते थे, ना उसको जान की चिंता होती थी, ना उनको इस तरह, उसको चिंता एक ही होती थी कि शोषित, पीड़ित, दलित, OBC, माइनॉरिटी और सवर्ण सभी को लेकर चलने का। इसलिए उनके पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी में सभी जात के लोग मिलते थे, सभी के जाति के लोग रहते थे और उस पर मैं आपको बता दूं उनका उन्हीं पर था कि मैं एक बात बता दूं, अक्सर कहते थे और वहीं से मैं एक बात उठाया हूं कि कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खा जाती है खुद ही फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पर लगाया जाता है। मैं इसलिए ये कहा क्योंकि माननीय रामविलास जी कहा करते थे कि जो कार्यकर्ता है, सच्चा कार्यकर्ता, कभी भी नेता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, नेता सच्चे कार्यकर्ता को खुद ही पहचान जाते हैं। तो आपका जो सवाल था, मैं सवाल पे आता हूँ। आज लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां जन्मदिन है, मतलब स्थापना दिवस है और आज हमारे बीच में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी कर्मठता है, उनका मार्गदर्शन है, उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनका सिद्धांत है, उनका जितना भी मार्गदर्शन है उसको अपनाने का काम आज केंद्रीय मंत्री जो है पशुपति नाथ पारस जी उन्होंने अपनाया है, क्योंकि वो साये के तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रहते थे और उनके आज्ञा के बिना, आपको मैं कह दूं जैसे रामायण में, मतलब मैं प्रभु कहता हूँ, प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण, तो उसी तरह रामविलास पासवान जी के साथ पशुपति पारस जी लक्ष्मण की तरह थे, कभी भी अशिष्टाचार नहीं किए। कोई भी कार्यकर्ता आपको नहीं कह सकता कि जब तक रामविलास पासवान जी थे तो पशुपति पारस जी ने अपना जिद या यह कहा हो कि मेरा भाई नेता है तो मैं कोई भी फैसला ले लूँ। वो जो भी फैसला लेते थे तो उनसे पूछ के लेते थे। आज यह बागडोर उनके हाथ में है और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कैबिनेट में वो उनके साथी है, मंत्री है। और आपको मैं बता दूं आज जिस तरह से ये जो देख रहे ढोल लगा रहे, ये ढोल लगा रहे कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये ढोल लगा रहे जो बजा रहे हैं ना, वो अपनी खुशी से बजा रहे हैं, उनको खुशी। और मैं भी आपको जो बाइट दे रहा हूँ तो दिल से दे रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब उनकी जो कार्यनीति है, जो रामविलास पासवान जी की कार्यनीति को अपनाया है।